सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त निहार रंजन विश्वास और आप अगेन देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल विश्वास MLM इन्फॉर्मेशन। और नई से नई मैं इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता हूं और मैं प्रयास करता हूं कि आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचे और आप जिस डायरेक्ट सेलिंग ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं आप इस बिजनेस को बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ा पाएँ। तो आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ, डायरेक्ट सेलिंग में अगर हमें कामयाब होना है तो ऐसे कुछ 9 कोर स्टेप्स हैं जिनको हमें फॉलो करना पड़ेगा और जिनको अगर हम फॉलो करते हैं तो हम निसंदेह इस बिजनेस में आगे बढ़ जाते हैं। तो देरी ना करते हुए मैं 9 कोर स्टेप्स को बहुत ही शॉर्ट में आपको बताना चाहूँगा और मुझे पूरा यकीन है कि आप बहुत अच्छे से इनको समझ जाएंगे। तो 9 कोर स्टेप में जो कि बहुत मस्ट है किसी भी डायरेक्ट सेलर को अपनी लाइफ में, अगर इनको हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो हमें सक्सेस मिलती ही मिलती, कोई नहीं रोक सकता। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, 9 कोर स्टेप का पहला स्टेप है वो है बुक्स रीडिंग। आपको हमेशा आगे बढ़ना है तो बुक्स एक ऐसी चीज़ है जो हमारा एक सच्चा साथी यानी सच्चा फ्रेंड की तरह काम आता है। और कौन सी बुक्स पढ़नी है ये भी ख्याल रखना है, क्योंकि हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सक्सेस होना चाहते हैं तो हमें मोटिवेशनल बुक्स पढ़नी है, डायरेक्ट सेलिंग से रिलेटेड कोई नॉलेज वाली बुक्स पढ़नी है, हमें पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में बुक्स पढ़नी, क्योंकि जब हम बुक्स पढ़ते हैं तो हमारे अंदर बहुत कुछ बदलाव आ जाता है और हम चेंज कर लेते हैं। तो बुक्स पढ़ने की आदत डालनी है, चाहे 10 मिनट पढ़ें, चाहे 20 मिनट पढ़ें या आधा घंटा पढ़ें, लेकिन डेली बुक्स पढ़ेंगे और बुक्स पढ़ते समय कुछ नोट्स बनाएंगे आप तो आपके अंदर नॉलेज का भंडार आ जाएगा। तो सबसे पहला स्टेप है कि आपको बुक रीडिंग की आदत डालनी पड़ेगी। नेक्स्ट स्टेप है वो है ऑडियो वीडियो, क्योंकि आजकल हम सबके पास एंड्रॉयड फ़ोन है, स्मार्टफोन हम लोग रखे हुए हैं, तो कई बार अगर हम बुक्स नहीं पढ़ सकते हैं तो बहुत सारे हमारे पास मोटिवेशनल वीडियो या लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी या जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हैं उससे संबंधित आप किसी बेहतरीन लीडर की स्पीच सुनना, कोई ना कोई उसका नॉलेज लेना, तो आप वीडियो के माध्यम से, ऑडियो के माध्यम से अपने आप को चार्ज करेंगे, नॉलेज लेंगे, जो कि आज बहुत आसान हो चुका है। बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आपको यूट्यूब पे मिलेंगे, तो आप ऐसे लोगों को सब्सक्राइब कीजिए जहाँ से आपके बिजनेस को वृद्धि मिले। तो आपको वीडियो और ऑडियो सुनना है जिससे आपको नई एनर्जी मिलेगी, क्योंकि जिस तरीके से आप कितना भी महंगा फ़ोन खरीद लो अगर आप उसको 24 घंटे के बाद चार्जर के पास नहीं ले जाओगे तो मोबाइल आपका डेड हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से हम लोग बिजनेस करते हैं, हमें बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं, हमारा मन उदास हो जाता है, हम जो है हताश हो जाते हैं, तो उस हताशा को दूर करने के लिए, रिचार्ज होने के लिए हमें बुक्स और ये ऑडियो वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो आप आदत डालिए अच्छे वीडियो अच्छे ऑडियो सुनने की। नेक्स्ट हमारा है वो है मीटिंग सेमिनार, क्योंकि अभी पेंडेमिक टाइम चल रहा है तो जब नॉर्मल हो जाए तो मीटिंग सेमिनार से जुड़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मीटिंग सेमिनार में हमें वो सारे लोग मिलते हैं जिन्होंने कामयाबी हासिल की, दिग्गज लोग मिलते हैं जिन्होंने इस काम को बहुत अच्छे से किया है, तो उनसे इन्फॉर्मेशन मिलती है और हम एक पॉजिटिविटी से लबालब हो जाते हैं, नॉलेज भी मिलती है और पॉजिटिव भी हो जाते हैं। तो मीटिंग सेमिनार ट्रेनिंग जो भी है उसको कभी भी आप मिस मत कीजिए। जैसे इस समय आप जूम मीटिंग आपके ग्रुप में हो रही होगी, किसी भी आप संस्था से जुड़े हुए हैं तो आप जूम मीटिंग को जरूर कनेक्ट करें। आप ये ना सोचें कि मैंने इसको देख लिया है सुन लिया है, हर बार कुछ ना कुछ आपको नया मिलेगा और आप कनेक्ट रहेंगे तो आप एकदम ऊर्जा से भरे रहेंगे। तो मीटिंग सेमिनार ट्रेनिंग कभी ना छोड़िए, इस समय जूम के माध्यम से आप कनेक्ट हैं तो जूम के माध्यम से कनेक्ट हो जाइए। नेक्स्ट है प्रोडक्ट यूज, क्योंकि आप डायरेक्ट सेलिंग में हैं तो प्रोडक्ट बहुत मस्ट है और प्रोडक्ट को 100% आप ईमानदारी से घर में यूज कीजिए, क्योंकि अगर हम प्रोडक्ट यूज नहीं करेंगे तो हम बिजनेस को कर ही नहीं रहे। क्योंकि आप देखेंगे हीरो हांडा की या कोई भी हीरो की एजेंसी में आप देखेंगे तो वहाँ जो है दूसरी कंपनी की कोई बाइक नहीं बेच रहा होगा, ना ही मालिक चला रहा होगा। तो सोचिए जो भी व्यक्ति आज बहुत बड़े शिखर पर पहुँचे हैं ईमानदारी से अपने बिजनेस को किया है, तो अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में हैं और आप प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं तो कोशिश करो कि 100% कोई ऑप्शन ना हो, तो भले ही आप दूसरा किसी का ले लो लेकिन आप कोशिश करो चाहे 1-2 रुपये महंगा हो, क्योंकि तभी आपके अंदर एक ईमानदारी झलकेगी और तभी आप बिजनेस को बहुत आसानी से प्रमोट कर सकते हैं। तो ये आपका जो स्टेप है वो है प्रोडक्ट यूजर, प्रोडक्ट का यूजर आपको 100% ईमानदारी से बनाइए, फोर्थ है। नेक्स्ट आपका फिफ्थ है सौदा प्लान। सौदा प्लान का मतलब ये है कि जिस बिजनेस को आप कर रहे हो उस बिजनेस के बारे में आपको लोगों को बताना ही पड़ेगा, कितनी भी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी हो, कितने भी बढ़िया पायदान पे आप पहुंच गए हो, लेकिन लोगों को आप शेयर नहीं करोगे तो उनको पता कैसे चलेगा, क्योंकि ये इंडस्ट्री हमारे देश में आप ग्रो कर रही है, अब लोग इसको समझ रहे हैं। तो आप जितनी जल्दी उनको कनेक्ट करोगे, जितनी जल्दी बताओगे, जितनी जल्दी समझाओगे
तो आपके साथ वो कनेक्ट हो जाएंगे। तो आप इसको अपॉर्चुनिटी को शेयर करो, और हो सके तो जो नए हमारे फ्रेशर हैं उनको प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन दो, प्रोडक्ट कैसा है, इसका रेट क्या है, क्या क्या इसमें मिला हुआ, आपके और आपके परिवार के लिए क्या बेनिफिट दे सकता है, क्या क्या इसमें फ़ायदे मिल सकते हैं, ये जानकारी उनको देना। अगर कोई डायरेक्ट सेलिंग कर रखे हैं तो उनको डिटेल इन्फॉर्मेशन आप बैठ के दीजिए, और एक सही जगह पे दीजिए, इत्मीनान से दीजिए। चलते फिरते कहीं आवाज़ हो रही है, शोर हो रही है, कहीं दुकान हो रहा है, कहीं ऑफिस में है, ऐसी जगह पे प्लान मत दीजिए, ऐसी जगह पे बताइए मत बताइए। शांत जगह पे इत्मीनान से, जब वो लिसनिंग मूड में हो तभी आप उनको प्लान के बारे में बताइए। ये आपका हो गया फिफ्थ। नेक्स्ट हमारा छठा है, वो है मेक लॉयल कस्टमर। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में आप आए हैं तो आप ये समझिए सभी लोग हमारे साथ जुड़ेंगे और काम पर निकल जाएंगे, ऐसा नहीं होगा कभी भी। ये रेशियो बना हुआ है, 100 लोगों से आप मिलेंगे तो उसमें 10 लोग ऐसे मिलेंगे जो आपकी तरह प्रमोट करेंगे, 90 लोग कस्टमर बन के रह जाएंगे। लेकिन 90 लोग कस्टमर की भी हमें ज़रूरत है, क्योंकि हमारा सेल होगा तो टर्नओवर बढ़ेगा, टर्नओवर बढ़ेगा तो पे आउट बढ़ेगा। तो आप कोशिश कीजिए अपने हैंड से 10 से 15-20 लॉयल कस्टमर बनाइए, उनको सर्विस दीजिए, प्रोडक्ट पहुँचाइए, तभी आपका बिजनेस बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। तो आपके लॉयल कस्टमर होने ही चाहिए, उनको इग्नोर मत कीजिए, उनके घर तक सामान पहुंचाइए, क्योंकि ये सामान पहुंचाते पहुंचाते ही आपका बिजनेस का बड़ा हो जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। वही लॉयल कस्टमर आपको ऐसे लोगों को दे देंगे जो वर्किंग भी करेंगे, जो नए कस्टमर को बनाएंगे। तो लॉयल कस्टमर बनाना जरूरी है। नेक्स्ट हमारा सातवां स्टेप है बी टीचेबल। चूँकि जिंदगी में जो भी व्यक्ति जिस पायदान पर पहुँचा है, सीखते हुए पहुँचा है, कहते हैं कि पढ़ा लिखा बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, पढ़ा लिखा होना बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लिखते पढ़ते रहना महत्वपूर्ण है। तो चूंकि आप अभी पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में तो कोई एजुकेशन की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन अगर आप स्टेप बाय स्टेप सीखना चाहते हैं, जानकारी लेना चाहते हैं, आपके अंदर जिज्ञासा है, तो आप आगे बढ़ जाएं, क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। तो सीखना क्या है कि बिजनेस की बारीकियों को सीखना, और सीखने के लिए कोई जरूरी नहीं कि आपके सीनियर से ही आप सीखेंगे, आपके जूनियर आपके डाउनलाइन में भी बहुत सारे लोग ऐसे आएंगे जो एक्सपर्ट होंगे, मास्टर होंगे। आप अपनी ईगो को हटा के, ये मत समझिए कि मैं सीनियर हूँ, आप ईगो को हटा के बहुत प्रेम पूर्वक विनम्रता से आप अपने ग्रो लाइन से भी सीख सकते हैं, अपनी टीम से भी सीख सकते हैं। सीखने के लिए बिल्कुल ब्लॉटिंग पेपर की तरह आप बिल्कुल तैयार रहिए, ताकि आपको नॉलेज आएगी तो आप धीरे धीरे आगे बढ़ पाएंगे। तो हर बंदे से आपको सीखना है, क्योंकि हर बंदा एक मास्टर है, कुछ ना कुछ जरूर जानता, सब कुछ नहीं जानता लेकिन कुछ ना कुछ जरूर जानता है। तो आप बिल्कुल उससे चिपक के कैसे भी आपको सीखना है, ऊपर वालों से सीखना है और नीचे वालों से भी, अपने ग्रुप के लोगों से भी सीखना है। नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट स्टेप है हमारा आठवां है, सॉरी बी टीचेबल हो गया, उसके बाद हमारा स्टेप है आठवां अकाउंटेबल। अकाउंटेबल का मतलब ये है कि आप जिस बिजनेस को कर रहे हैं पूरी ईमानदारी से कीजिए, क्योंकि मैंने देखा है कि अगर आप कोई भी गलत काम करते हैं और कोई नहीं देख रहा है तो आप अपनी नज़रों में गिर जाते हैं, और कोई काम आपने अच्छा किया है और आपको कोई नहीं देख रहा है तो आप अपनी नज़रों में उठ जाते हैं। तो आप अगर डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को कर रहे हो और आप कामयाब होना चाहते हो तो आप ये मत समझिए कोई मुझे देख रहा है कि नहीं देख रहा, ईमानदारी से, पूरी सच्चाई से, क्योंकि जब आप सच्चाई से ईमानदारी से काम करते हैं तो वो फेस पे झलकता है, लोग उसको पढ़ लेते हैं। तो ईमानदारी को आप पालन कीजिए, क्योंकि ईमानदारी का बहुत बड़ा रोल है, और इसमें 1% 2% नहीं कि 99% मैं ईमानदार हूँ, 1% भी ईमान, वो 100% फिर हो जाएगा, 100% बिल्कुल ईमानदारी से आपको काम करना पड़ेगा। दूसरा इसी में करेक्टर, करेक्टर का बहुत रोल है, क्योंकि हम लोग घर घर में जाते हैं, और घर घर में जाते हैं तो आपको पता है पूरा परिवार होता है, फैमिली होता है, किसी की सिस्टर है, किसी की वाइफ है, किसी की मदर है। तो आप अपनी जो है इस करेक्टर को बहुत स्ट्रांग रखिए, क्योंकि ये बिजनेस जो है सम्मोहन का बिजनेस है, तो कई लोग इसमें बहक जाते हैं। तो आपको कामयाब होना है तो अपने करेक्टर को स्ट्रांग रखिए आप। जब करेक्टर स्ट्रांग रखेंगे, आपका बोलने का तरीका, आप शिष्टाचार से जब बात करेंगे, कोई आपके लेडीज आपको मिलती हैं तो आप सिस्टर बोलेंगे, तो आप समझिए कि उनके घर में आपका जो है कनेक्शन बन जाएगा और आप बहुत अच्छे से अपना सेल निकाल पाएंगे। तो आप करेक्टर को मजबूत रखिए, आप अपनी तरफ से मजबूत रखिए, जब आप मजबूत रखेंगे तो आपका बिजनेस बिल्ड होगा और आपकी तरह आपके पदचिन्हों पे भी लोग चलेंगे और लोग आपको सपोर्ट करेंगे। दूसरा, पैसे की तरफ से हेरा फेरी मत कीजिए, जिसने जिस काम के लिए आपको पैसा दिया है आप उस पैसे का उसी काम के लिए इस्तेमाल कीजिए। कोशिश कीजिए किसी से उधार लेना ना पड़े, ना ऊपर वाले से ना नीचे वाले से, आप सेल्फ डिपेंड होके पैसे का इधर से उधर ना हो तो आपका व्यापार बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा। तो ये मैंने आपको बताया बी अकाउंटेबल, पैसे के प्रति, करेक्टर के प्रति और ईमानदारी के प्रति आप भी अकाउंटेबल रहिए। और लास्ट है आपका, वो है काउंसिल विद योर अपलाइन। क्योंकि आपको आगे बढ़ना है तो आप एक मार्गदर्शन में रहकर रहेंगे, किसी के अंडर में रहेंगे, किसी की जानकारी में रहेंगे तो वो आपको वाच करेंगे। क्योंकि जब हम फील्ड पे काम करते हैं तो बहुत सारी गलतियां हमसे होती हैं और हमें नहीं पता चलता, लेकिन जब आप अपने मेंटर से अपने काउंसलिंग करते हैं, उनको बताते हैं अपनी सारी चीज़ों को ईमानदारी से बताते हैं, तो वो आपको गाइड कर पाते हैं, क्योंकि वो बैठ के पूरा ऊपर से देख रहे हैं कहाँ पर क्या दिक्कत आ रही है। तो आप
जो है अपने अपलायंस से, अपने मेंटर से कनेक्ट रहिए, ताकि आपको नई से नई इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी और आपको गाइड कर पाएंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। और ये 9 स्टेप अगर आपने फॉलो कर लिए तो आपके बिजनेस में 4 चांद लगेंगे और आप बहुत स्मूथ तरीके से बिजनेस कर सकते हो। जिस तरीके से आप गणित का एग्जाम देते हैं तो फार्मूला अगर आप नहीं लगाते हैं तो आप कभी भी मैथ का सॉल्यूशन नहीं कर सकते। फार्मूला लगाते ही आप सरल सवा हो जाता है और आपका सॉल्यूशन हो जाता है। ठीक उसी तरीके से ये 9 कोर स्टेप इतने बेहतरीन हैं, इतने ज़रूरी हैं कि अगर इनको आप इन्वॉल्व कर लेते हो अपने बिजनेस में तो आपका बिजनेस बहुत आसान हो जाता है और आप बहुत तेज़ी से आगे बढ़ते चले जाते हो। तो यह मैंने आज आपको 9 कोर स्टेप बताए, इनको आप फॉलो कीजिए, मुझे पूरे यकीन है आपका बिजनेस कई गुना बढ़ जाएगा। मैं आपके साथ में हूँ, नई से नई इन्फॉर्मेशन लाता रहूँगा और ये वीडियो आपको मिला है और आप सुन रहे हैं तो मुझे पूरा यकीन है कि आप अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहते हैं, इसीलिए आप इसको धैर्य से सुन रहे हैं। और इसी तरीके से अगर आप इसको प्रमोट करते हैं, लोगों को बताते हैं, अपनी टीम को बताते हैं तो वो भी सीख जाएंगे, तो आप इसको शेयर भी कर सकते हैं। तो आपने मेरा वीडियो देखा, इसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और मुझे आप लाइक करते हैं। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट, आपकी ज़िंदगी बेहतरीन हो, आज का दिन शुभ हो।